मान साहब खालिस्तान की गल करते हैं, संविधान की सहु चुकी जाते, दोगलापन नहीं है। मैं कह यार मान साहब इस जवाब दे चुके हैं। मान साहब ने कहा कि जहो जी सहु पिछले 75 साल तो हिंदुस्तान के अंदर चुकी जा रही है वह जी मैं चुक लांगा। उन्होंने जोड़ा 75 साल तो चक के सोह जी चुक चुक के शपथ ग्रहण कर करके हिंदुस्तान को कितने पहुंचाता है। एक आम भारत का निवासी एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। राजीव गांधी का कातिल छोड़ दिया, क्यों दिखाओ, उन्हें पढ़िया, कहता हां ठीक तो है, उसकी सजा पूरी होगी, उसको छोड़ दिया। सजा तो बेशक पूरी होगी, लेकिन उसने राजीव गांधी को मारा, इंदिरा जी का बेटा। तो कहना सर बात तो वही है ना, उसकी सजा पूरी हो गई, आप कैसी बात कर रहे हो, उसकी सजा पूरी होगी फिर उसको जेल में थोड़ी रख सकते हैं। नहीं यार, कानून देश के लिए सबके लिए बराबर है। कहना हां मैं सिखों के लिए नहीं है यार। कहना नहीं सर, मैं उन पर बंदी सिंह बारे दसाया, वो पढ़ के सुन हो गया। यात्रावां ते कढ़दे पए ने कल मोटरसाइकलों के उत्ते, लेकिन बंदी सिंह वास्ते बोलने तैयार नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं थोड़े दिन पहला बॉम्बे बैठा सी, एक मराठी बंदा सी, फिल्म डायरेक्टर है, किसी फिल्म के लिए गल करता सी। तो जिदा हुंदा आपां विचे विचे फेसबुक वगैरह चैक करदा, मैं फेसबुक चैक किया तो उदन राजीव गांधी का कातल जड़ा सीगा उन्हूं छड्या गया सी। ते तमिलनाडु का जड़ा सीएम है उसने उसनूं हार पा के सन्मानित किया। जड़ा जेलर सी जिसकी जेल में रहा उस जेलर ने भी उसनूं हार पा के सन्मानित किया। तो मैं पोस्ट उस मराठी बंदे नूं दिखाई, मैं कहा आवेख राजीव गांधी का, उसको उन्हूं हिंदी च बोलिया, मैं कहा ये देखो राजीव गांधी का कातिल छोड़ दिया। कहना दिखाओ, उन्हें पढ़िया, कहता हां ठीक तो है, उसकी सजा पूरी होगी, उसको छोड़ दिया। अगर नहीं यार, सजा तो बेशक पूरी होगी, लेकिन उसने राजीव गांधी को मारा, इंदिरा जी का बेटा। तो कहना सर बात तो वही है ना, उसकी सजा पूरी हो गई, आप कैसी बात कर रहे हो, उसकी सजा पूरी होगी फिर उसको जेल में थोड़ी रख सकते हैं। मैं अच्छा ऐसा होता है, कहता हां। मैं यार कानून देश के लिए सबके लिए बराबर है। कहता हां मैं सिखों के लिए नहीं है यार। कहता नहीं सर, मैं उन पर बंदी सिंह बारे दसाया, वो पढ़ के सुन हो गया। कहता ये कितना हो सकता, रेस्ट ऑफ द इंडिया जरा है वो फिर से नहीं समझता, लेकिन अफसोस की गल है कि साढ़े अपने ही यात्रावां ते कढ़दे पए ने कल मोटरसाइकलों के उत्ते, लेकिन बंदी सिंघां वास्ते बोलन नूं तैयार नहीं हैगे। मैं गल हुणे पिछे जे कल भी मेरी राती एक बंदे नाल बहस होई, कहिंदा मान साहब ने कमरे दे अंदर सौं क्यों चुकी। तो यार मैं कहा तू मामा लगदा, तैनूं की फर्क पैंदा कमरे च चुकण या हॉल च चुकण या मैदान च चुकण। मैं कहा यार अगर वो कितने वड्डे फंक्शन करते, सैकड़ों बंदे बुलाए जाते, सिक्योरिटी इन्नी रखी जाती, लखा रुपया का खर्चा होंदा, किहदा सीगा, किसी के प्यो का पैसा थोड़ी सीगा, साडा ही पैसा ना, ते बचाता की तकलीफ है इहदे। फिर कहिंदा चलो अगर ए वाली गल है, मान साहब खालिस्तान की गल करते हैं, संविधान की सहु चुकी जाते, दोगलापन नहीं है। मैं कह यार मान साहब इस उत्ते जवाब दे चुके हैं। मान साहब ने कहा कि जहो जी सौ पिछले 75 साल तो हिंदुस्तान के अंदर चुकी जा रही है वह जी मैं चुक लांगा। उन्होंने जोड़ा 75 साल तो चक के सोवा यह जी चुक चुक के शपथ ग्रहण कर करके हिंदुस्तान को कितने पहुंचाता है। एक आम भारत का निवासी एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा, वही सोहा चुक चुक के। और दूजी गल जेड़े लोग ए बोलते हैं कि संविधान का सौ खानी सी, संविधान का दोगलापन, वही संविधान कहता कि आप बंदी सिंह सारे रिहा होने चाहिए है, उदों क्यों मौत पै जाती है। उस संविधान के मुताबिक बंदी सिंह अपनी सजावां पूरी कर चुके हैं, क्यों उन्होंने रिहा नहीं किया जाता,
उदो क्यों नहीं संविधान की दुहाई दिती जांदी। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बयान है कि जो लोग अपनी सजावां पूरी कर चुके हैं उन्होंने रिहा कर दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि उन्होंने रिहा कर दो क्योंकि ये जेल प्रशासन उत्ते सरकार उत्ते भार है, खर्चा तो पैंदा ही है ना, हजारों लोग बंद किए हुए हैं। जे सरकार छड़े रिहा कर दे तो खर्चा भी बचेगा सरकार का, वो सरकार का खर्चा नहीं है, तुहाडा मेरा खर्चा है, वो पैसा भी यही लोग दिने। आखिर दे विच मैं देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब नूं रिक्वेस्ट करदा कि इन्हां बंदी सिंघां नूं जल्द तो जल्द रिहा किया जाना चाहिए, उन्होंने जेलों के अंदर रखना पूरी तरह नाल गैर कानूनी है, एक गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। सिखां नूं यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सिख भी सिखां दे नाल विचकरा नहीं हुंदा, उन्होंने विश्वास दिलाना जरूरी है, नहीं तो साडे दिलों के अंदर विश्वास नहीं आता। आ जिहड़ियां यात्रावां कढ़दे पए ने अहीं नहीं जांदे फिर इहो जी यात्रावां दे विच, बोलते हुए कोई भुल चुक हो गई हो गई, माफी चाहवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।